नॉर्मल स्ट्रीट फूड की वीडियो तो आप देखते ही रहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जो अखाड़े पर और जो पहलवान होते हैं उनकी ताकत का असली राज क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो आगे तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। और विक्रम भाई, अभी ये बादाम का जो रगड़ा बनाने के लिए लेके आए हैं, ये चलिए इनसे बात करते हैं। क्या क्या है ये, क्या है विक्रम भाई? कुंडी सोटा। अच्छा, इसको कुंडी बोलते हैं, इसको सोटा बोलते हैं। अच्छा, ये क्या डाल दिया आपने? काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च, जीरा, ये जीरा डाल दिया आपने, इलायची, खरबूजे के बीज डाल दी, ये भैया ने सौंफ डाल दी। ये करीब कितने बादाम डालते हैं आप इसमें? 100-150 बादाम। ये कितने लोग पीते हैं सर? एक लोग। क्या बात है, मतलब एक इंसान के लिए 100-150 बादाम। मिस्त्री, ये मीठा करने के लिए? अच्छा, करीब करीब भैया 5-6 तरीके की इसमें चीज़ें डालते हैं, तो इतना डालते हैं और भी डालते हैं आप? अच्छा, बाद में डालेंगे। ये भैया ने सारा कुछ डाल दिया, आप इसको पीस रहे हैं भैया, तो कितना देर तक पीसते हैं आप इसे? करीब आधा घंटा। आधा घंटे तक लगातार? ना। क्या बात है, हाथ नहीं थकेगा? नहीं, हाथ चेंज कर देते हैं। ये सारा मिक्स कर देंगे ना? इसमें मिक्स होता है या मिक्सी में ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है? मिक्सी में पीसते हैं, यहाँ पीसते हैं। अच्छा, इसमें पीसता है। तो कितने लोग आते हैं आपके यहाँ पर अखाड़े में? 30-40 लड़के आते हैं पर डे? तो सुबह शाम चलते हैं, सुबह के टाइम पे? सुबह जोड़े और शाम को प्रैक्टिस। अच्छा, सुबह जोड़े लगते हैं और शाम को प्रैक्टिस होती है यहाँ पे? क्या बात है, अच्छे से बिल्कुल एकदम मिला देंगे आप, है ना? ये कोई सी भी लकड़ी का यूज करते हैं, अलग से कोई लकड़ी रहती है? नीम की लकड़ी। अच्छा, नीम की लकड़ी होनी चाहिए। भैया ने एकदम से सारा कुछ मिक्स कर दिया ये नीम की लकड़ी से। ये भैया ने पानी और डाल दिया, अब इसको फिर से मिलाएंगे भैया। क्या बात है, एकदम पतला करते हैं आप इसको, है ना? ये भैया ने इसमें गुलाब की पत्ती डाल दी, ये भैया ने तुलसी के पत्ते डाल दिए और पानी डाल दिया भैया ने। ये सिर्फ एक के लिए बननी है, सिर्फ एक लोग के लिए बननी है, तो सभी लोग अलग अलग से बनाते होंगे अपना अपना? हाँ, सब अलग। आप देख लीजिए, इतना कुछ भैया मिलाते हैं ठंडी में, जो बादाम की ठंडी है, यही राज है। जो पहलवानों में इतनी ताकत होती है उसका यही राज है, आप देख लीजिए। थोड़ी देर में मेरे हाथ थक गए भैया, आधे घंटे से लगातार इसको पीसे जा रहे हैं, तो मैं तो पीस ही नहीं पा रहा, थोड़ी देर में थक गया हूँ। कपड़े से इसको बिल्कुल छान लेंगे आप, है ना? और इसका जो वेस्टेज रहता है उसको क्या करते हैं आप? वो फेंक जाता है। अच्छा, उसको फेंक देते हैं, मतलब जो काम की चीज़ है वो यही है? हाँ। ये निकल के आ रही है। बादाम की ठंडी का ग्लास बनके तैयार हो गया है, इसको टेस्ट करता हूँ। ये जो बादाम की ठंडी है, ये भारतीय जो पहलवान है उनकी ताकत का राज है। मैं भी इसको टेस्ट करता हूँ, क्या पता मुझ में भी थोड़ी बहुत ताकत आ जाए। आप भी पियोगे ना, आपको भी इसकी लत लगेगी, इतना टेस्टी बनाया भैया ने। और अभी हम यहाँ पर फिरोजाबाद में, जो फिरोजाबाद जिला है उसमें आदमपुर गाँव है, यहाँ पर भैया का अखाड़ा अभी स्टार्ट ही किया है भैया ने। तो आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं, विक्रम भाई से, वैसे ये काफ़ी फिल्मों में भैया काम भी कर चुके हैं और विदेशों में भी कुश्ती खेल के आ चुके हैं, अगर इनसे मिलना चाहते हैं आप इनके पास आ सकते हैं। और मैं इनका जो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो आप यहाँ इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आज के लोगों से कहना चाहूँगी, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, तो हमें अपने इंडियन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो रूट्स से बनी हुई हैं, उन पे आना चाहिए वापस, उन्हें एक बार देखना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना उधर ना भाग कर थोड़ा अपने बेसिक रूट पर आए, ठीक है? जो अपने इंडियन कल्चर है उसको थोड़ा भरोसा दिखाएं, उनकी चीज़ों पर भरोसा दिखाएं। उस्ताद जी खुद अपने इनकम, जो भी उनकी इनकम है उससे कर रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ के जब उद्योगपति हुए, बड़े बड़े लोग हुए, गांव वाले लोग हुए, जब वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो इस चीज़ को वो कैसे बचा पाएंगे, वो जब तक है तब तक बचा पाएंगे, ठीक है। तो वही चाहते हैं कि आप लोग और सभी लोग इस चीज़ में समर्थन करें और अपने जो अपनी जो कल्चरल चीज़ें हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें।